आप सभी का स्वागत है लर्न क्विकली चैनल पे। और आज इस वीडियो में आपको टॉप 6 वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो काफी यूजफुल हो सकते हैं सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वेबसाइट है ड्राइंग से रिलेटेड, ऑटो ड्रॉ करके वेबसाइट है। आपको गूगल पे सर्च करना ऑटो ड्रॉ करके और आपको पहला लिंक मिल जाएगा www.autodraw.com। आपको उस पर क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ से जिस साइज का पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, चाहे वो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप कैसे भी ड्राइंग बनाएं, कितनी भी खराब बनाए बट आप उसे ठीक कर पाएंगे। ये वेबसाइट AI बेस्ड है, आपके ड्राइंग को डिटेक्ट करके आपके ड्राइंग को इम्प्रूव करता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ अभी। सपोज मैंने एक घर बनाया है, मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, ठीक है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे घर बनाया, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। डू यू मीन, देख रहे हैं आप यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग्स अवेलेबल हैं। अब जो सेलेक्ट करेंगे वो इस ड्राइंग को रिप्लेस कर देगा। मैं अभी इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये ड्रॉ हो चुका है। आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके कलर्स को चेंज करता हूँ, रेड पे क्लिक करूँगा तो देख पा रहे हैं रेड हो गया, पर्पल पे क्लिक करूँगा तो पर्पल हो जाएगा, ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। मतलब आपको जिस कलर में ड्राइंग को ड्रॉ करना है वो कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फिल करता हूँ यहाँ पर रेड कलर लेके, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे रेड कलर फिल हो गया। आप यहाँ से और भी कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउन कलर ले लूँ तो इधर ब्राउन कर देता हूँ और वॉल को रेड कर देता हूँ। ये वेबसाइट ज़्यादा करके बच्चों के लिए अच्छा है, जो बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए अच्छे है जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा क्रिएटिव है, कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा वेबसाइट है AI बेस्ड, जो आपके ड्राइंग को रिकग्नाइज करके ड्राइंग आपको क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप इसके अंदर शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर आप कुछ भी, कितने भी शेप्स क्रिएट करें, कैसे भी क्रिएट करें आप कर सकते हैं। अब हम अपने अगले वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वेबसाइट है वॉइस नोट पैड। आपको गूगल पे सर्च करना है वॉइस नोट पैड, आपको ये पहला ही वेबसाइट मिल जाएगा, detection.io। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप जो भी बोलेंगे ना वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ये वेबसाइट स्टूडेंट्स लोग के लिए काफ़ी अच्छा, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, जिन्हें मतलब नोट्स टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये सिंपली बोलेंगे जो लिखा हुआ है वो टाइप हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। सपोज मैं हिंदी में नोट्स लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, हिंदी करना पड़ेगा। आप कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हैं नोट्स, यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज अवेलेबल है, आपके ऊपर है आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माइक बटन, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो भी मैं बोलूँगा वो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में जनरेट होगा। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न क्विकली चैनल पे। और अगर आपको स्टॉप करना है तो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, स्टॉप नीचे लिख के आ रहा है। आप इसे इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ लैंग्वेज चेंज करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा सिंह एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने बोला वो टाइप हो चुका है इंग्लिश में। या क्रिएटर जो होते हैं यूट्यूब पे कैप्शन क्रिएट करना होता है उन्हें, तो वो सिंपली बोल के भी कैप्शन को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से ये टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे सेव और कॉपी बटन है, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं इधर से अपने नोट पैड में, या डायरेक्ट सेव कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, इसे वापस सुन सकते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ईमेल कर सकते हैं अपने आप को, प्रिंट कर सकते हैं या PDF में सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर बटन है, जैसे मैं ये दबाऊंगा ये सारा क्लियर हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। हमारा अगला वेबसाइट है हॉटपॉट, ये भी एक AI बेस्ड वेबसाइट है। हमें गूगल पे सर्च करना है हॉटपॉट और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा hotpot.ai। आपको उस पर क्लिक करना है और एक AI बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे कुछ AI टूल्स है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कोई आपके पास फोटो है काफ़ी पुरानी है और उस पर काफ़ी स्क्रैचेस हैं, तो आप उसे स्कैन करके उसे ठीक कर सकते हैं। ये एक टूल है जिसका नाम रिस्टोर ओल्ड पिक्चर्स। यहाँ पे एक और फीचर है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते हैं आपके पास पुराने टाइम के, उन्हें आप कलर कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं इस AI टूल को यूज़ करके। वैसे आप बैकग्राउंड निकाल सकते हैं, पर्सनलाइज कुछ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी टूल्स हैं
अब देख पा रहे हैं, तो मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ, समझो ब्लैक एंड व्हाइट वाला यूज करके दिखाता हूँ। अभी मैं फोटो अपलोड करता हूँ, फोटो अपलोड करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है मेरे पास। तो मैं उसे अपलोड करके यहाँ पे कलराइजेशन फैक्टर सेलेक्ट करता हूँ, आप जो चाहे वो फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ और कलराइज पे क्लिक करता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट है कलर करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था और काफ़ी अच्छा इसमें कलर हो चुका है। ये एक AI बेस्ड है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ काफ़ी हद तक ये परफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर में कन्वर्ट करके देता है। हमारा अगला वेबसाइट है कि आप कैसे फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। एक हमारे पास अल्टरनेटिव है फोटोशॉप का, उसका नाम है फोटो पी। आपको गूगल पे सर्च करना है और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, आपको इसको क्लिक करना है। ये वेबसाइट्स उन लोग के लिए अच्छे हैं जो क्रिएटर्स हैं, जिन्हें थंबनेल वगैरह यूट्यूब पे बनाना होता है, या किसी भी चीज़ के कवर पेज बनाना होगा या लोगो बनाना होगा, तो वो सबके लिए ये वेबसाइट अच्छा है। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ, इस पर आपको कुछ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं और काफ़ी सारे फॉर्मेट के पेजेस हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए FB फेसबुक कवर पेज बनाना चाहते हैं, या यूट्यूब के लिए ग्रुप हेडर बनाना चाहते हैं, या प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं, जो आपको बनाना है आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। सपोज मैं अभी एक मेरे को एक यूट्यूब कवर पेज बनाना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक किया, एक सिंपल सा यूट्यूब ट्यूब कवर पेज के लिए एक पेज क्रिएट हो जाएगा। और आपको जो करना है यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जो चाहे चेंज कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड में, जैसे मैं कोई इमेज डालना है उसके बैकग्राउंड में कलर करना है, तो मैं अभी जैसे यहाँ पे कुछ कलर करता हूँ। आपको जो करना आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको फोटोशॉप तो पूरा यूज़ करके नहीं दिखा सकता, तो आप जैसे यहाँ पे कलर ग्रेडियंट है, मैंने यहाँ पे कलर देखिए क्या सारे टूल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे एक फोटोशॉप वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है नेम चेक करके, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो काफ़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर रहते हैं और वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कुछ डोमेन चाहिए या कोई यूज़र नेम चाहिए, आप सर्च करते हैं, आपको उस टाइम पे ऑन द स्पॉट वो यूज़र नेम नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप बार बार दूसरा दूसरा ट्राई करते हैं। तो उससे अच्छा आप ये वेबसाइट पे आके अपना यूज़र नेम चेक कर सकते हैं, और ये भी चेक कर पाएंगे कि ये यूज़र नेम वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, या डोमेन के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पूरा नाम टाइप करता हूँ मेरा, कृष्णा, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कृष्णा डॉट को डॉट आईओ डॉट एट डॉट एस डॉट मी करके ये सारे डोमेन अवेलेबल है मेरे नाम के साथ। वैसे ही ये नाम से मैं सोशल मीडिया या कोई ऐसे वेबसाइट पे यूज़र नेम भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे शॉपिफाई पे, फोर स्क्वायर पे, सारे जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पे मैं अपने इस यूज़र नेम को यूज़ कर सकता हूँ जो कि अवेलेबल है अभी, और इन वेबसाइट्स पे इन वैल्यू है जहाँ पे रेड दिखा रहा है। हमारा अगला वेबसाइट है रिमूव बैकग्राउंड, तो हम विद इन सेकेंड में फोटो से बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है रिमूव BG करके, और आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो सपोज मेरे पास ये फोटो है और मैं इसे यूज़ करता हूँ अभी, आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ था, PNG इमेज जो है वह रिमूव बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देख पा रहे हैं आपको जो सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। तो ब्लर ऑप्शन है, मीडियम है, थोड़ा ब्लर ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा ब्लर है, तो आप जो चाहे वैसा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। फिलहाल वीडियो में इतना ही, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।